नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए जिसका नाम है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो होते हैं वो हम नॉर्मल अपने घरों में, ऑफिस में या कंपनीज में यूज किए जाते हैं। तो आज हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो डेस्क के ऊपर या इसके अंदर फिट बैठता है और ये इंटरेक्शन के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस को यूटिलाइज करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस में दो तरह के डिवाइसेस आ जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले डिवाइसेस लाइक ए मॉनिटर, प्रोजेक्टर, टेलीविजन। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टावर होता है या फिर इसे ऑल इन वन कंप्यूटर क्रिएट करने के लिए मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। हमारा जो लैपटॉप होता है वो पोर्टेबल होता है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को जनरली एक ही जगह पर रखने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हम लैपटॉप की तरह इन कंप्यूटर्स को हर एक जगह पर अपने साथ लेके नहीं जा सकते। इन सिंपल वर्ड्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। अब हम बात करते हैं सिंपली डेस्कटॉप के बारे में कि डेस्कटॉप क्या होता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस पर सिस्टम आइकन, प्रोग्राम आइकन, फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। इसमें हम किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं या इसके अलावा हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर जो भी पीडीएफ फाइल्स पड़ी हैं, जो भी वर्ड फाइल्स बनी हुई हैं, उसमें हम आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप में कुछ जरूरी चीजें जो होती हैं वो है माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, फाइल्स एंड फोल्डर, शॉर्टकट। इस पिक्चर में हम कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स यानी कि उसके कंपोनेंट्स को देख सकते हैं जो कि कंप्यूटर को बनाने यानी कि कंप्यूटर को डिजाइन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, और इनके साथ ही इनके नाम के साथ ही इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है कि इनमें से कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। जब भी हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो इसका जो हर एक पार्ट है वो अहम भूमिका निभाता है। जैसे कीबोर्ड की वजह से हम इसमें टाइपिंग कर सकते हैं, माउस की हेल्प से हम कर्सर को मूव कर सकते हैं, स्क्रोल को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, और सीपीयू कंप्यूटर का सबसे मेन कंपोनेंट होता है क्योंकि इसी की वजह से हम अपने कंप्यूटर में सारे काम कर सकते हैं। मोस्टली यूजर्स जो होते हैं वो अपने कंप्यूटर को या तो डेस्क पर रखते हैं या फिर नीचे फर्श पर रखते हैं। तो इसके अलावा भी कई बार हम अपने कंप्यूटर को अपनी मनपसंद जगह पर रखते हैं। कई बार तो हमारे पास इसे अरेंज करने के लिए एक सिंपल टेबल होता है या फिर हम स्पेशल कंप्यूटर के लिए एक टेबल बनवाते हैं जिसमें सीपीयू के लिए एक अलग बॉक्स बनाया होता है, कीबोर्ड और माउस के लिए एक अलग जगह होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन दी फ्लोर, जब आप अपने कंप्यूटर को अपने फर्श पर रखते हैं तो वहां पर उसकी क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज एडवांटेजेस, ये मोर अवेलेबल स्पेस के साथ कंप्यूटर डेस्क को क्लीन रखता है। कई बार हम अपने कॉरिडोर में या फिर रूम में कूलर चलाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कंप्यूटर है वो, तो उसकी वजह से हमारा जो फर्श है वो ठंडा हो जाता है, तो फर्श के ठंडा होने की वजह से कंप्यूटर भी गर्म नहीं होता। देन डिसएडवांटेजेस, इसमें केबल्स और ड्राइव्स को कनेक्ट करना डिफिकल्ट होता है और इसमें डिस्क को इंसर्ट करना भी काफी मुश्किल होता है, और कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं तो वो हल्के से किक से भी टूट जाते हैं। तो कई पार्ट्स तो कंप्यूटर के ऐसे होते हैं कि वो रिपेयर भी नहीं होते और उन्हें नया खरीदना पड़ता है। फर्श पर कंप्यूटर रखने के कारण हम केबल्स को लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते, और इसके अलावा कई बार फर्श पर बहुत ज्यादा डस्ट होती है जिसके कारण हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो खराब हो जाती है, उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं।
डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन द डेस्क, जब आप अपने कंप्यूटर को किसी टेबल पर रखते हैं तो वहां पर उसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं उसे पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एडवांटेजेस, इसमें केबल्स और ड्राइव्स को कनेक्ट करना और कंप्यूटर में डिस्क को इंसर्ट करना इजी हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर को एक्सेस करना कठिन होता है और ये कंप्यूटर को शो ऑफ करने की परमिशन देता है। देन नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, सीपीयू में जब फैन चलता है तो वो बहुत ज्यादा आवाज करता है, जिसके कारण हम माइक को यूज करके अपने कंप्यूटर में अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, और जब हम कोई ऑडियो सुनते हैं तो हमें बहुत शोर के कारण आवाज जो है वो क्लियरली सुनाई नहीं देती। जब हम कंप्यूटर को किसी बड़े से ड्रॉअर में रखते हैं तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं? फर्स्ट इज एडवांटेजेस, इससे डेस्क और फ्लोर क्लीन रहते हैं और यहाँ पर डस्ट कम होती है, और डस्ट कम होने के कारण कंप्यूटर जल्दी खराब नहीं होते। देन डिसएडवांटेजेस, ये प्रॉपर एयर फ्लो के बिना बहुत ज्यादा हीट पैदा कर सकता है, और केबल्स और ड्राइव्स को कनेक्ट करना और डिस्क को इंसर्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो है वो अभी भी लाखों लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि अदर टाइप्स के कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन एक लोकप्रिय विकल्प बन गए हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर अभी भी स्कूलों, बिजनेस और गेमर्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।